उत्तर प्रदेश के समस्त होमगार्ड जवानों और बहनों को धन्यवाद सदा। बधाई इसलिए दे रहा हूँ कि आज एसोसिएशन की ताकत, ये विभाग अभी मैंने ज्ञापन दिया है, एरियल जो लखनऊ में मिला नहीं है और पूरे प्रदेश में जो खंडों खंडों में दिया गया है, एक मुश्त राश नहीं दी गई किसी जवान और बहनों के, वो सही रूप से काम पैसा नहीं आया। खंडों खंडों में देने का मतलब इस एरिया में बहुत ऊंचे स्तर पर दोहन किया गया और हो रहा है। अभी लखनऊ में तो एक रुपया किसी जवान को नहीं दिया गया, बल्कि 2020 में एक साल पीछे 319 जवानों को हेडक्वार्टर तत्काल पूरी एक मुश्त राश दे दिया। क्यों दे दिया? आप लोगों ने इस पे दिमाग लगाया? हमें अंदर से जो खबर है कि विभाग 5% लेके उन जवानों से, और उन्हीं हेडक्वार्टर उसी हेडक्वार्टर पर जो नहीं दिया उसका पैसा नहीं, कुछ ऐसे हैं जिनको पैसा अभी तक नहीं मिला है, वो 5% नहीं दिए इसलिए नहीं मिला। शायद वो 5% उसी में दिए होते तो उनको भी पैसा मिल चुका होता। आज लखनऊ में ये 2020 में 3 जनवरी 2020 को ये श्रीमान अतुल कुमार कमांडेंट हेडक्वार्टर को अवगत कराएं कि सत्यापन हो गया और हेडक्वार्टर जो है प्रमुख सचिव, श्रीमान प्रमुख सचिव जी अनिल कुमार साहब को अवगत कराया, और अवगत कराने के बाद बजट भी आया, लेकिन कोई जांच नहीं। सारे इनके आदेश निर्देश शासनादेश सब लालीपाप वाले निकले। आज फिर 2021 को श्रीमान अतुल कुमार कमांडेंट लखनऊ ये अवगत कराएं, हेडक्वार्टर को करा दिया कि मास्टर रोलों की जांच हो गई है, प्रमाणीकरण हो चुका है, हेडक्वार्टर जो है डीजी साहब श्रीमान अपर मुख्य सचिव होमगार्ड श्रीमान अनिल कुमार जी सरकार को अवगत कराया और बजट भी आ गया, सत्यापन भी हो गया। इसके बावजूद एरियर लखनऊ वासी होमगार्ड व महिला जवानों को अभी तक नहीं दिया गया। होली दिवाली पर बड़ा आश्वासन दिए, पिछली होली दिवाली इनकी अब निकल देने जा रहे हैं, बड़ी खुशी हुई जवानों को, खुशियों में मातम में बदल दिया त्यौहार को। फिर इस पिछले उस पे का इस बार मिल जाएगा, बड़ी खुशी थी जवानों को, बड़े उल्लास से होली दीपावली मनाए, लेकिन नहीं, वो भी महामातम में बदल गया। और आज ये जो है आदेश निर्देश शासनादेश सभी खोखले साबित हुए, इसलिए देते रहें कि होमगार्ड आक्रोशित ना हो और अपनी जबान न खोले, इसलिए ये लोग बराबर उस पैसे को अपने खाते में डाल करके अधिकारीगण और उससे ब्याज कमा रहे हैं। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय जब आदेश किया पुलिस कांस्टेबल का वेतन देते हुए, और जो 2016 से इनका बढ़ा हुआ मानदेय में एरियर वो 8 सप्ताह के अंदर दे दें, ये निर्देश हुए थे। ये निर्देश नहीं हुए कि माली का वेतन दे दो और उसी के हिसाब एरियर दे दो। तो जब जांच कर रहे हैं तो फिर ये माली का हमें क्यों, चतुर्श्रेणी का एरियर क्यों दे रहे हैं?
हमें पुलिस कांस्टेबल के वेतन के बराबर एरियर क्यों नहीं दिया जा रहा है? जब जांच कर रहे हैं ये हमारे जवानों के साथ सीधा अन्याय है। और अन्याय नहीं, कुछ हमारे जवानों की, बहुत जवान ऐसे हैं जो वैतनिक का तलवा चाट रहे हैं और अपनी कमी पकड़ा बैठे हैं, उसका पूरा फायदा ये विभाग उठा रहा है। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय ये नहीं कहा है, कहीं पर आदेश नहीं है कि उस एरियर की जांच करके तब दिया जाए। ये तो कानून बड़ा है कि शासन प्रशासन बड़ा है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के सीधा सीधा कानून का उल्लंघन किया जा रहा है, उस कानून को तमाशा बना दिए, तो मैं इन कानून को तमाशा बनाने वालों को मैं सस्पेंड भी करवा दूंगा। क्योंकि बहुत अब सबर का बांध जवानों का, लखनऊ और पूरे उत्तर प्रदेश में आक्रोश फैला, खंडों में और फिर लखनऊ में एक पैसा अभी मिला नहीं इनकी गाड़ी कमाई, अब सबर का बांध टूट चुका है। और मैंने अभी जो अध्यक्ष बनाए गए थे श्रीमान जिला अधिकारी इस समिति के, कि जांच करके उसमें अपनी समिति बनाए, इनकी जांच करके इनके खाता और मास्टर रोल और तत्काल इनका खाते में पैसा डाल दिया जाए, यदि कोई दोषी मिलता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए श्रीमान डीजी श्रीमान जिला अधिकारी आदेश करें, ताकि FIR हो और ये लूटने खाने वाले जो लूटे खाए हैं गलत बना वो पकड़ में आए और जेल के सलाखों के पीछे जाए। ये क्यों नहीं सीधा सीधा बचाया जा रहा, और बचाने के चक्कर में अपने ये वैतनिक स्टाफ अपना रिकॉर्ड मेंटेन करने में लगा था, ना कि होम गार्ड को एरियल का देने के गंभीर थे। ये अभी तक अब जब मैं एक ज्ञापन दे चुका हूँ और शासन सरकार तक LIU के द्वारा पहुंच चुके हैं, मीडिया के द्वारा पहुंच चुका है सब कुछ, इनका रिकॉर्ड लगा करके जो इन्होंने आदेश किया कमांडिंग श्रीमान अतुल कुमार और जो श्रीमान DG जी आदेश किया और जो श्रीमान प्रमुख सचिव शासन आदेश किए, वो सब लगा और माननीय उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय का दिया है, न्यायालय कहीं नहीं कानून नहीं कहा, इनका जांच करके कहा गया है पुलिस कांस्टेबल के वेतन का जो बनता है बढ़ा हुआ वो तत्काल 16 से और 19 तक 34 महीने का इनको एरियल तत्काल इनके खातों में भेज दिया जाए। ये सीधा सीधा माननीय मुख्यमंत्री, आज उनके हाथ में ये विभाग है, फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी इतना बड़ा शोषण अन्याय हो रहा है इन होमगार्ड अधिकारीगण गणों के द्वारा, जो शासन सरकार तक बैठे नीचे कमांडेंट BO इंस्पेक्टर से लेके और DG साहब तक इसमें गंभीर नहीं हुए हमारा एरिया दे, इसलिए हमने ज्ञापन दे चुका हूँ और 10 दिन का समय दे दिया है, 29 तक यदि ये एरियर हमारे सब जवानों के पूरे प्रदेश में जो बचा है उनका पूरा पैसा और जो होमगार्ड जवानों का महिलाओं का लखनऊ में नहीं मिला एक मुश्त एक साथ पैसा या पूरा नई खातों में आया, तो हम शांतिपूर्वक काली पट्टी लगा और हम लोग अपना पैसा लेने जिला कमांडेंट से जवाब लेंगे, मंडली कमांडेंट से जवाब लेंगे, यदि नहीं तो फिर हम तभी हम लोग हटेंगे जब हमारा एरियर हमारे खातों में पहुंच जाएगा और लापरवाही जो एरियर में किए हैं अब तक इनको सस्पेंड नहीं किए और इनके खिलाफ मुकदमे नहीं लिखे गए, तब तक हम लोग हटने वाले नहीं हैं। हम पूरी छोटी से लेके बड़ी मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सबको निमंत्रित कर दिया है 30 तारीख के लिए और हम लोग शांतिपूर्वक अपना, यदि इस पर शासन प्रशासन ये मंडली कमांडेंट जिला कमांडेंट और हमारे जिला अधिकारी जो इस समिति के अध्यक्ष बने हैं, हमारा पैसा नहीं आया
तो हम लोग घेरेंगे। यदि कोई अप्रयाग ये शायद शासन प्रशासन कोई बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहा, और जब बहुत बड़ी दुर्घटना होती है तब सरकार ध्यान देती है, जब नुकसान करा के तब फिर सरकार ध्यान देती है, तो इसका बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रही। यदि कोई अप्रिया घटना घटित होती है तो जिला कमांडेंट, मंडली कमांडेंट, जीजी साहब, प्रमुख सचिव, शासन प्रशासन की समग्र जिम्मेदारी होगी। और हम लोग किसी प्रकार बवाल ना करते हुए शांतिपूर्वक मार्च करते हुए हम जिला कमांडेंट लखनऊ गोमती नगर खरगापुर जिला कार्यालय पहुंचेंगे, और वहां पर हम अपने आदेशों के अनुसार हम उनसे जवाब लेंगे। आखिर इतना 2 साल क्यों लगाया गया एरियर में, तो अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब ये सबर का बांध टूट चुका है, हद पार कर दिया है। ये होमगार्ड के अधिकारी आज 70 साल से ये होमगार्ड जवानों को बंधुआ मजदूर से जिंदगी जिलाने के लिए पूरे प्रदेश के जिलाने जी रहे हैं, और ये सब मजबूर हैं, कर दिए हैं। आज ये भारत देश आज़ाद हो चुका है, जिसमें अधिकारी जरूर आज़ाद हो गए, लेकिन होमगार्ड जो अपना गदेली पर जान रख करके और थाने से रवानगी कराता है, कब कहाँ रास्ते में कहीं मुठभेड़ हो जाए, कब क्या हो जाए, इसकी क्या इनके कोई पीछे रोने वाला नहीं है, क्या इनके परिवार नहीं है, या महामारी में इन्होंने अच्छी ड्यूटी किया, क्या ये अमृत इनको पिलाया गया, और वही वैतनिक अधिकारी एक दिन जाते वर्दीधारी हैं, और ड्यूटी जिस भी लगती है वो महीने में एक दिन जाता है थाने आमद कराने के बाद सारे साइन कर देता है, तो इनको भी पूरी 8 घंटा होमगार्डों के साथ इनको ड्यूटी देनी चाहिए वर्दी पहना के, और ये गलत हो रहा और ये अन्याय नहीं है, तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी वर्दी का 3,000 रुपया दिया गया है, जबकि बिहार में वर्दी 3 साल का 10,000 दिया जा रहा, और 1,50,000 रिटायरमेंट में दिया जा रहा। तो ये उत्तर प्रदेश कहने वाली सरकारें ये उत्तम प्रदेश की बात करते हैं, तो कम से कम ना ज़्यादा दे तो बिहार के बराबर तो होमगार्ड जवानों को देना चाहिए रिटायरमेंट पे वर्दी भी। क्या ये 3 साल में जायज है 3 साल? ये बिल्कुल गलत है। बिहार के बराबर 10,000 देना चाहिए, देना तो ज़्यादा चाहिए, जो उत्तम प्रदेश उत्तर प्रदेश का उत्तम प्रदेश बनाने की बात कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के समस्त जवानों बहनों को जो ये ट्यूटर चल रहे हैं, ये सोचिए तुम्हारे साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, वैतनिक स्टाफ से ज़्यादा तुम्हारे साथ धोखा किया जा रहा है, ये LIC एजेंट जैसे होते हैं, जितना ये खुलवा देंगे उस हिसाब से इनका कमीशन बनेगा। वही ट्यूटर का है वो कंपनी, ट्यूटर कंपनी जितना तुम्हारा डलवा के अपने नाम से इसको वहाँ जोड़ा है, जितने आप लोग जुड़ेंगे, जितने आप बोलेंगे उतना ही इनका कमीशन बनेगा। अभी देखे माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश इस ट्यूटर पर बड़ी नाराजगी जताई है और FIR लाज करा दी, और भारत के माननीय प्रधानमंत्री इस ट्यूटर पर बहुत बड़ी नाराजगी जताई है। क्या सरकार इसको मान करता है? ये जानता है इसमें सब पूरे का पूरा झूठ होता है। कभी क्या संज्ञान है? क्या ट्यूटर वालों से पूछिए कि कौन से उपलब्धि आप तक दिए हैं, कोई उपलब्धि दिए हो तो बताएं, और ये सोशल से पूछ लिया जाए। आज भारतीय से लेके भ्रष्टाचार से लेके एरियर दिलाने के लेके और वेतन दिलाने के बाद भ्रष्टाचार खोल जेल भेजाना और वर्दी दिलाने का कार और प्रदेश में बैठ के आराम के लिए बनने, ये मैंने किया, ये सोशल किया है लिख के, और इन धोखेबाज टूटरों से आप बिल्कुल होशियार हो जाइए, और नहीं तुम्हें कहीं का इनका फायदा होता रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप देवक की तरफ ये टूटर तुम्हें खोखला करके रख देगा, जैसे घुन गेहूँ में लगता है, जब अंदर अंदर खोखला कर देता है तब पता लगता है कुछ नहीं बचा गेहूँ के दाने के अंदर, खाली ऊपर वो रह गई छिकली। तो आप इसको बिल्कुल इस ट्यूटर पर ध्यान नहीं देना है, नहीं तो उनका फायदा उनका बंधी बंधाई रात उनके अकाउंट में आएगी, और आपको बरगला के आपको कहीं का नहीं रखेंगे।
और जब देखिए आज इस ओशन की ताकत, आज कमांडेंट दौड़े दौड़े घूम रहे हैं लेह मास्टर रोल, और आज ट्रेजरी में जांच की जा रही है और वो सोच रहे हैं 10 तारीख को ये 30 तारीख को हमें नहीं दे पाए तो सस्पेंड हो जाना पड़ेगा। ये ताकत एसोसिएशन संघ की है। यदि आप लोग अपना भला चाहते हो और राज कर्मचारी का दर्जा चाहते हो तो ये अपने संघ को, अपने इस एसोसिएशन को साथ सहयोग दे के मजबूत बनाइए। देखिए शेर को पालना कोई आसान चीज़ नहीं है, कुत्ते को फिर सब पाल लेते हैं, उसको कौर दो तो तुम्हारा मुरीद हो जाएगा, डंडा मार दो तो दूर जाके फिर उसको आवाज़ दो फिर वो आ जाएगा। तो ऐसा कार होगा जवान करना बंद कर दो जो बैतनिक का वो कौर, और शेर का कोई है पालने वाला, अरे वो चीर फाड़ के बराबर कर देगा, आनंद उसके तीर जाने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे आप लोग अगर अपना हक अधिकार चाहते हो और जो ये बरगलार हैं अपने फायदे के लिए ट्यूटर वाले बरगलार हैं तो इनसे होशियार हो जाइए। आप लोग पेपर में नहीं पढ़े, आप टीवी नहीं देखे, देश के प्रधानमंत्री ट्यूटर पर सख्त नाराजगी जताइए और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री FIR लाज करा दी है और नाराजगी जताई है इस ट्यूटर की, वो कतई ध्यान नहीं देते तो क्यों इसमें परेशान हो, ये मैं बता दिया LIC एजेंट समझिए इनको, तो आप इनसे ट्यूटर से दूर हो जाइए मेरा ये। तो आज देखे भागे भागे घूम रहे हैं और आज मैं इनको दिखा दूंगा और 30 तारीख का इंतजार कर रहा हूँ। पूरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया सबको निमंत्रित कर दिया हूँ और मैं शांतिपूर्वक मार्च करते हुए पहुँचूंगा, किसी प्रकार कोई बवाल नहीं कुछ नहीं, शांतिपूर्वक हम अपना पैसा लेने जाएंगे और ये पैसा हमारी गाड़ी कमाई का है, आप लोगों का गाड़ी कमाई का पैसा है। तो पूरे उत्तर प्रदेश से आवाज़ उठनी चाहिए, जो ये खंडों खंडों में पैसा एक मुत राशि क्यों नहीं दी गई, सोचने वाला विषय है। इसमें कुछ का काट के अपने चाहते में डाल करके और उसके ATM से निकलवा लेंगे, ये काम हो रहा। तो सभी लोग जितने रिटायरमेंट हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष, सभी को 30 तारीख को आना है, साथ सहयोग देना है और अपना हक ले लेना है। इसकी आप संकल्प ले लो और ये ट्यूटर प्यूटर की हटा के अलग कर दो, नहीं कहीं कि नहीं कल आने वाला कल मैं आपको परमानेंट को करा के दिखा दूंगा। ये तो चिल्ला रहे हैं नियमितीकरण, लेकिन मैं दिखा दूंगा, लेकिन उस रास्ते से मेरी बताई हुई रास्ते पर चलना होगा, तभी आप हो जाएंगे, कोई आसान नहीं है। जहाज चलाना एक ही आदमी चलाता है, ट्रेन इतनी बड़ी एक ही चलाता है, लेकिन वो चलाने का उसके पास लाइसेंस है, उसको जानकारी है, और जिसको जानकारी नहीं है वो क्या लेके चल देगा, लेके जाके आगे ठीक कर देगा। तो जिसको जानकारी है वही कर पाएगा। इनसे ट्यूटर वालों से पूछो किस बेस पर करवा देंगे, कैसे करवा देंगे, कौन से साथ लेके करवा देंगे, कौन उनके पास कानून है जो करवा देंगे, मुझे बताएं और मैं बता दूंगा उसके बाद कैसे परमानेंट होंगे उत्तर प्रदेश के होमगार्ड जवान। ये एक इतिहास रच दूंगा, पूरे भारत में सभी जवान परमानेंट होंगे, उत्तर प्रदेश होते हुए एक इतिहास बना दूंगा और आपका जीवन सुधार दूंगा, आपके बच्चों की भविष्य बना दूंगा। अगर यदि आप मेरी बात पर ध्यान देते हैं, विश्वास करते हैं, मैंने नौकरी तक दी, मैंने कई करोड़ रुपए की ठोकर मार दी, जबकि पैसा का सबको लालच होता, लेकिन पाप का पैसा मैंने नहीं, मैंने संकल्प लिया था, मैंने कसमें खाई थी, वो सच्चा मैं कार्य करके दिखा दिया हूँ, आगे और दिखाने का पूरा भरपूर कोशिश। यदि आप लोग सहयोग ये जबान बंद रखे हो, ये मौनपन तुमको बर्बाद कर देगा, कहीं का नहीं रखेगा। अपना हक जो लड़के नहीं लिया वो मनुष्य नहीं कहा जाएगा, वो ना इधर का ना उधर का रहे, उसकी कहीं स्थान नहीं। और जिसने संघर्ष किया है वो कुछ नाम कमाया है, कुछ इतिहास बनाया है और आगे बढ़ने का अपना परिवार बनाया है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।